स्वागत है न्यूट्रिकल चैनल में। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम करेंगे टेक्निकल रिव्यू हमारे मोस्ट प्रीमियम डिवाइस का, जो कि है हमारा iPhone 12 Pro Max। ये मेरा 512 GB वाला वेरिएंट है, जो कि हमारा 1,60,000 रुपए का है। और मैंने इस डिवाइस को काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है, इसकी सारी टेस्टिंग कर ली है, मतलब हर तरीके से डिवाइस को मैंने टेस्ट कर लिया है। चाहे आप डिस्प्ले की बात करें, ऑडियो की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, कैमरास की बात करें, हर एक चीज़ को पूरी तरह टेस्ट किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या ये डिवाइस एक्चुअल में वर्थ है या नहीं। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। इस डिवाइस के अंदर हमें मिल जाता है 6.7 इंच का सुपर रेटिनल एक्सटीआर डिस्प्ले, जो कि हमारा ओलेड पैनल में है। डिस्प्ले हमारा एक्चुअल में बहुत ही ब्राइट है। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा कर लेते हैं ब्राइटनेस टेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस की मैंने ब्राइटनेस कर दी है 100% पे, और अब हम चेक करते हैं कि मीटर में हमारी मैक्सिमम रीडिंग कितनी आती है। वैसे एवरेज रीडिंग हमारी 550 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रीडिंग आई है 760, जो कि काफी ज्यादा है एवरेज से। आपको यहाँ पे डिवाइस के अंदर मिलती है ऑसम ब्राइटनेस। डिवाइस का जो हमारा डिस्प्ले है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा ब्राइट है, मतलब अगर आप इसको सनलाइट में भी यूज करते हैं, अगर तेज सनलाइट भी इस डिवाइस के ऊपर पड़ रही है तो भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको मैसेजेस टाइप करने हो, आपको कॉलिंग करनी हो, कोई भी काम करना हो, तेज सनलाइट में भी आपको डिवाइस का डिस्प्ले एकदम ब्राइट, एकदम क्रिस्प नजर आएगा। ब्राइटनेस हमारी काफ़ी बढ़िया है। व्यूइंग एंगल्स आपको डिस्प्ले के एकदम कमाल के मिल जाते हैं। 2-3 फ्रेंड्स अगर आप साथ में बैठ के इसके अंदर मूवी को इंजॉय कर रहे हैं तो आपको व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और सबको बढ़िया नजर आएगा डिस्प्ले। अब जैसे कि ये हमारा काफ़ी कॉस्टली डिवाइस है, मतलब एकदम प्रीमियम सेगमेंट का डिवाइस है। गेमिंग में इस डिवाइस के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आती, आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे आज के टाइम में जो फ्लैगशिप सीरीज में हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से इस डिवाइस के अंदर हमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिलना चाहिए था या 144 हर्ट्ज का मिलना चाहिए था। मतलब काफी कॉस्टली डिवाइस है ये हमारा, काफी ज्यादा कॉस्टली। उस हिसाब से इसके अंदर तो ये चीज होनी ही चाहिए थी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता डिस्प्ले में या 144 हर्ट्ज का मिलता, लेकिन आपको यहाँ पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है। मतलब डिस्प्ले हमारा क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया है, मूवीज वीडियोस के लिए कमाल का है, सनलाइट परफॉर्मेंस ऑसम है इसकी, आप मजे से डिवाइस के डिस्प्ले को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से एवरेज मैं इसको कहूंगी डिस्प्ले परफॉर्मेंस में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि यह है हमारे डिवाइस का ऑडियो आउटपुट। एक्चुअल में आप अपने डिवाइस के अंदर गेम खेलते हैं या मूवीज देखते हैं या फोन पे बात करते हैं, डिवाइस का ऑडियो आउटपुट कैसा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइस के स्पीकर के बारे में। यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत ही इंप्रेसिव साउंड आपको देखने को मिलेगी। छोटा सा ऑडियो टेस्ट मैंने यहाँ पे किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे फोन की वॉल्यूम है 100% पे और हम देखेंगे कि मीटर में हमारी रीडिंग कितनी आती है। एवरेज रीडिंग होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 103 तक हमारी रीडिंग यहाँ पे टच हुई है नीचे बॉटम वाले हमारे स्पीकर की। आपको बहुत ही लाउड, बहुत ही क्लियर साउंड मिलती है। मतलब एक्चुअल में जैसे मैं आपको कहा कि अगर फ्रेंड्स आपके सारे बैठ के इसके अंदर मूवी देख रहे हैं तो उन्हें ऑडियो भी काफी तगड़ा मिलेगा। आप गेम के अंदर ऑडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। मतलब इंप्रेसिव लगी मुझे इसकी साउंड, क्लियर है, लाउड है। अब इसके साथ अगर ईयरफोन्स की बात करूं तो मैंने डिवाइस के साथ ईयरफोन्स को यूज करके काफी देर कॉलिंग में भी यूज किया है और उसके बाद मैंने म्यूजिक भी इंजॉय किया है। मतलब आपको इसके अंदर बहुत ही लाउड और क्लियर साउंड मिलेगी। 75% पे ही अगर आप वॉल्यूम को रखते हैं तो आपको बाहर का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, मतलब बिल्कुल कैंसल आउट हो जाएगा ईयरफोन्स के साथ ही। तो ये चीज मुझे बढ़िया लगी। जिन लोगों को एकदम ऑसम तेज तेज म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है उनको 100% पे एकदम मजा ही आ जाएगा। तो ईयरपीस के साथ भी डिवाइस की परफॉर्मेंस हमारी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में। मतलब मैंने इसके साथ यूज किए थे अपने शनाइजर के ईयरफोन्स और उसमें जब मैंने म्यूजिक को सुना था तो 100% पे तो म्यूजिक बाहर का पूरा कैंसल आउट हो गया था, लेकिन 75% पे आपको बाहर का शोर सुनाई देगा और म्यूजिक उतना तेज नहीं था जितना ईयरफोन्स के कंपेरिजन में हमें मिल रहा था। इसके साथ ही अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वो तो हमारे डिवाइस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं इसको अपने यहाँ पे स्टूडियो में रख के पूरे घर में घूम के आई हूँ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिली, आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कटेगी, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक्चुअल में डिवाइस की हमारी एकदम तगड़ी है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ईयरपीस की साउंड के बारे में, तो डिवाइस के अंदर ईयरपीस की साउंड बहुत ही लाउड है। मतलब मैंने इसका टेस्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरपीस का हमारा ऑडियो टेस्ट। यहाँ पे 100% वॉल्यूम पे है डिवाइस हमारा और 68 आती है हमारी एवरेज रीडिंग। ये देख सकते हैं आप कि हमारी हाईएस्ट रीडिंग जो है वो 80 पे टच हुई है। मतलब आपको डिवाइस के अंदर एक्चुअल में बहुत ही लाउड साउंड मिलेगी ईयरपीस के अंदर। इस पे तो मैं एक्चुअल में आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी, अगर आप अपने घर पे हैं, अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और बिल्कुल शांति है, जैसे आज के टाइम में होता है कि AC बंद है, हमारी फैन बंद है, तो आप ना बात करें क्योंकि बाहर के बंदे को पूरी आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, इतनी लाउड है हमारे ईयरपीस की साउंड। अब इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में, तो मैंने डिवाइस के अंदर अपनी जियो सिम डाली हुई है। NCR रीजन में मैं यहाँ पे रहती हूँ और यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी डिवाइस के अंदर कोई भी नेटवर्क इशू देखने को नहीं मिला। मतलब अगर मैं बेसमेंट में जाके भी डिवाइस को यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कॉल में कोई कटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सिग्नल्स आपके पूरे आएंगे। सो इस हिसाब से नेटवर्क इशू डिवाइस के अंदर देखने को बिल्कुल नहीं मिला। सो ओवरऑल देखा जाए तो ऑडियो आउटपुट के हिसाब से तो डिवाइस के अंदर हमारी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिवाइस की बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में, जहां पे बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो चार्जिंग की बात करते हैं। डिवाइस के साथ आपको बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलता, ये चीज़ तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपने सुना ही होगा कि हमें एक 20 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। एप्पल की भी साइट पे आपको देखने को मिलेगा कि उसने एप्पल ने क्लेम किया हुआ है कि आधे घंटे में डिवाइस आपका 50% चार्ज हो जाएगा। मैंने भी अपनी अनबॉक्सिंग में आपको बताया था कि वो चार्जर मैंने मंगवा लिया है और उसके साथ जब मैंने इसको टेस्ट किया, आधे घंटे में 50% तो हो जाता है, लेकिन फुल 100% की अगर मैं बात करूं 0 to 100% तो उसमें डिवाइस को लगते हैं 2 घंटे 16 मिनट। मतलब एक्चुअल में आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझे एक्चुअल में ये चीज़ इंप्रेसिव नहीं लगी। आज की डेट में हम इतना ज़्यादा प्राइस अगर दे रहा है आपका कस्टमर, तो आपको उसको चार्जिंग अच्छी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। अगर चार्जर उन्होंने बाहर से अलग से भी खरीदना है तो कम से कम वो फास्ट चार्जर तो होना ही चाहिए। वैसे आपको कई लोगों को नहीं पता, एक और एप्पल का चार्जर आता है 30 वॉट का, वो मैंने मंगवा लिया है और उसके साथ मैं आपको जल्दी अपडेट कर दूंगी कि 0 to 100% उसकी चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। जल्द अपडेट कर दूंगी मैं आपको उस वीडियो के बारे में भी अपने TNG टेस्टिंग चैनल पे। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस के बैटरी बैकअप के बारे में, तो जैसे कि मैं रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट करती हूँ डिवाइसेस का, मैंने इस डिवाइस का किया था। अपनी सिम इसके अंदर डाली, अपने सारे फेवरेट ऐप्स डाले, फुल डे डिवाइस को यूज किया और मुझे डिवाइस ने एक्चुअल में बहुत ही इंप्रेस किया। मतलब बैटरी बैकअप तो बहुत ही तगड़ा है डिवाइस का। मैंने डिवाइस को फुल डे यूज किया। नॉर्मली जो इस टेस्टिंग में मैं डिवाइसेस को यूज करती हूँ उसके अंदर मैं रखती हूँ मिनिमम यूजेज और इसको मैंने मैक्सिमम यूजेज पे यूज किया है। आज तक जितना भी मैंने डिवाइसेस को किया है उससे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे ड्रेन टेस्ट का, जिसके अंदर रात तक हमारे डिवाइस के अंदर 22% बैटरी बच गई थी मैक्सिमम हैवी यूजेज के बाद। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेरी यूजेज क्या रही पूरे दिन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम था मेरा 10 hour 8 minutes का। उसके बाद कैमरा मैंने यूज़ किया था 53 मिनट्स, जनरली मैं करती हूँ सिर्फ आधे घंटे के लिए। और उसके बाद नेटफ्लिक्स को यूज़ किया था मैंने 2 घंटे 8 मिनट के लिए। उसके बाद नेटफ्लिक्स को मैंने लगभग 2 घंटे 10 मिनट यूज़ किया था। कॉलिंग के लिए डिवाइस को यूज़ किया था 3 घंटे 18 मिनट के लिए। और उसके बाद गेमिंग करी थी मैंने 1 घंटे की, जिसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी और एस्फॉल्ट 9 थे। उसके बाद यूट्यूब मैंने देखा था 1.5 घंटे के आसपास। फेसबुक, इंस्टाग्राम आधे घंटे का आप कह सकते हैं। मतलब एक्सट्रीम यूजेज में भी डिवाइस के अंदर जो हमें तगड़ा बैटरी बैकअप दिया है उससे मज़ा ही आ गया। चार्जिंग में दिक्कत है लेकिन बैटरी बैकअप आपको बहुत ही तगड़ा मिलता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिवाइस के कैमरास के बारे में। हमें मिल जाता है डिवाइस के अंदर फ्लैगशिप कैमरास, 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलते हैं आपको बैक में और इसके साथ 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको सेल्फी कैमरा। कैमरा के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो बैक कैमरा का मेन कैमरा है उसके अंदर सेंसर बढ़ा दिया गया है, आपको काफ़ी सारे इसके अंदर नए फीचर्स दिए गए हैं जिनसे कि आपकी बहुत ही कमाल की पिक्स आएंगी। मैं आपको सीधा सैम्पल्स दिखाती हूँ और उसके साथ बताती हूँ कि कैमरा मुझे कैसा लगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नाइट फोटोग्राफी जो मैंने इस कैमरा से ली ये मेरी नाइट पिक है जो कि गुरुद्वारा जी की मैंने ली थी और हैंड हेल्ड करके मैंने बिल्कुल टोटल डार्क में खड़े होकर ये पिक क्लिक करी थी, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी डिटेलिंग, अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। मतलब नॉइस आपको देखने को नहीं मिल रही। पिक को जूम करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि एजेस हमारे एकदम शार्प आ रहे हैं, कंट्रास्ट आपको एकदम कमाल का देखने को मिल रहा है, जूम करने में भी हमारी बढ़िया रह रही है। मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि जो पानी में रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी हमारा एकदम क्लियर आ रहा है। मतलब यहाँ पे तो कई कैमरा हमारे स्ट्रगल कर जाते हैं, लेकिन इस डिवाइस के कैमरे ने हमारा बिल्कुल क्रिस्प बढ़िया वाला शॉट हमें यहाँ पे दिया है। काफी सारी पिक्स क्लिक करी है मैंने, एक्चुअल में काफी टाइम इस डिवाइस को यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और पिक हमारी, जिसके अंदर मैंने वाइड एंगल में नाइट पिक ली है और उसमें भी बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब आप देख सकते हैं जूम करने में आपको पूरा जो टेक्सचर है गुरुद्वारा जी का वो पूरा नजर आएगा। कंट्रास्ट हमारा एकदम शार्प आ रहा है, शेडो एरिया को लाइट एरिया से एकदम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप। मतलब ये पिक तो मेरी एक्चुअल में बहुत ही फेवरेट पिक है, ये मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी अपलोड भी करी थी और बहुत पसंद आई मुझे। यहाँ पे नेक्स्ट पिक के अंदर आप देख सकते हैं आपको नाइट मोड के अंदर डेप्थ इफेक्ट कितना तगड़ा मिल रहा है। हमें डिवाइस के अंदर जो लिडार सेंसर मिलता है उसके अंदर आपको बहुत सारे एआर फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इंजॉय कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन कैमरा के अंदर जो हमारे डेप्थ इफेक्ट आता है नाइट फोटोग्राफी में वो ऑसम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डेप्थ में ब्लरिंग इफेक्ट आपको काफी अच्छा मिल रहा है। पिक कितनी लाइवली लग रही है, मतलब लो लाइट में लेने में भी आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी क्वालिटी की आपको पिक यहाँ पे मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम कुछ डे लाइट शॉट की बात करें तो काफी सारी पिक्स मैंने यहाँ पे क्लिक करी है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डे लाइट में एक्सपोजर मेंटेन करने में डिवाइस को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। आपको बिल्कुल बढ़िया पिक मिलेगी, अच्छी डिटेलिंग के साथ, अच्छे डेप्थ इफेक्ट के साथ। मतलब जो हमारा डेप्थ इफेक्ट है वो आप ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर वाला इफेक्ट आपको मिल रहा है, एक्चुअल में बढ़िया डीएसएलआर जैसे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है इसके पिक्स के अंदर। हम बात करें सेल्फी कैमरा की पिक्स के बारे में तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट तो करी गई है। हालांकि फ्लैगशिप हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं उनके कैमरा हमें ज्यादा बढ़िया नहीं मिलते। मिड बजट में जो हमारे डिवाइसेस आते हैं उनके अंदर सेल्फी कैमरा हमारे फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन सेल्फी कैमरा में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे ब्यूटी इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं या ब्यूटी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो पिक की क्वालिटी आपको मिलती है वो हमारी एक्चुअल में फ्लैगशिप लेवल की है। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है, मतलब अगर आप सन के अगेंस्ट पिक लेते हैं, सन के साथ पिक लेते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से लें, आपका एक्सपोजर जो है सेल्फी कैमरा में भी काफी तगड़ा मेंटेन किया करता है ये हमारा कैमरा और आपकी डिटेलिंग बहुत ही क्रिस्प आती है। सेल्फी पिक्स को भी अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो एक एक बालों का मेरा स्ट्रैंड भी अलग नजर आ रहा है। मतलब एक्चुअल में नेचुरल की तरफ पिक्स आ रही है हमारी, ओवरली आर्टिफिशियल पिक्स नहीं है। और आप फिल्टर्स लगा के, जो आपको फिल्टर्स चाहिए, कुछ इफेक्ट डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा वर्क किया गया है, आपका कैमरा इंप्रूव किया गया है सेल्फी वाला भी। अब इसके साथ ही वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो एक्चुअल में कंपटीशन की बात नहीं बचती है। जो आईफोन्स की हमारी वीडियोग्राफी होती है वो टॉप नॉच होती है और यहाँ पे मैं iPhone 12 Pro Max की बात कर रही हूँ, iPhone 12 Pro की नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर हमें जो सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर मिलता है उससे आपको एक्चुअल में स्टेबलाइजेशन नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वीडियो सैंपल, जिसके अंदर आपका एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन है, डायनामिक रेंज आपको कमाल की मिल जाती है, आप देख सकते हैं, और स्टेबलाइजेशन और फोकसिंग हमारी टॉप नॉच है। सेल्फी कैमरा का भी वीडियो सैंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर हमारे स्किन टोन को काफी इवन रखता है, नेचुरल वीडियो लेता है हमारा, अच्छी डिटेलिंग के साथ, अच्छे हमारे अच्छे एक्सपोजर और कंट्रास्ट के साथ। और इसके साथ जो डिवाइस के अंदर बढ़िया चीज डाली गई है वो है हमारी कि आप डिवाइस के अंदर HDR वीडियोस ले सकते हैं डॉल्बी विजन के साथ। मतलब आप कमाल की वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ। उस हिसाब से इसका कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी फोन के साथ। DSLR लेवल की आपको यहाँ पे वीडियो एंड पिक्स क्वालिटी मिल रही है। सो कैमरा वाइज तो डिवाइस हो गया हमारा एकदम कमाल का। अब आगे अगर बात करते हैं हम डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो इसके अंदर हमें मिल जाता है A14 बायोनिक चिपसेट, जिसके अंदर आपको कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ग्राफिक्स भी हमारे कमाल के हैं, मतलब आपको 5G सपोर्ट भी मिलता है डिवाइस के अंदर। और मैं AnTuTu स्कोर की यहाँ पे बात करती हूँ, जो कि हमारा, मैंने जितने भी डिवाइसेस का AnTuTu स्कोर निकाला है, डिवाइसेस टेस्ट किए हैं, उनमें से सबसे हाईएस्ट आया है। आप देख सकते हैं 6,68,000 आया है AnTuTu स्कोर हमारे इस डिवाइस का। इसके साथ हमें जो iOS 14 मिल जाता है उसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स तो देखने को मिलते ही हैं, मतलब जिसके अंदर आपको Siri के अंदर काफी अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है, काफी सारे शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, ऐप लाइब्रेरी, होम विजिट, न्यू एमोजीज, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल जाती है जिससे कि आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो और अल्ट्रा स्मूथ हो जाता है। लेकिन साथ में जो हमें प्राइवेसी मिलती है, मतलब हमारे जो डाटा सिक्योरिटी मिलती है वो भी बहुत ही तगड़ी है। आपका डिवाइस जो है वो आपके सारे डाटा को, मतलब आपके जो बैंकिंग पासवर्ड्स हो, आपकी बैंकिंग डिटेल्स हो, आपके कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो, सारी चीज़ों को ये डिवाइस हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक्योर्ड रखता है। और अच्छी बात ये मुझे लगती है कि आपके सिक्योरिटी पैचेस जो हैं, अपडेट्स जो हैं, वो आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं डिवाइस के अंदर। और सिर्फ अभी के लिए सेफ नहीं है, मतलब 3-4 साल तक के लिए सेफ है। आपका डिवाइस जो है वो पूरी तरह अपडेटेड रहेगा, तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब इसके साथ ही अगर आगे हम बात करें गेमिंग के बारे में, तो डिवाइस का मैंने गेमिंग टेस्ट किया था, 1 आवर का गेमिंग टेस्ट, जिसके अंदर सेटिंग्स को मैंने हाई किया था, मतलब ग्राफिक्स को बढ़ाया था, और उसके बाद एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली वो काफ़ी बढ़िया थी। सबसे पहले तो गेमिंग के अंदर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं, कोई लैगिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और उसके साथ डिवाइस के अंदर हमें हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला था, मतलब आप ग्राफिक्स को बढ़ा के कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलें या कोई भी हैवी गेम खेलते हैं तो उसके अंदर जरा भी हीटिंग आपको देखने को नहीं मिलती डिवाइस के अंदर। और बैटरी की भी अगर बात करूं तो हमारी सिर्फ 13% बैटरी लगी थी 1 आवर के कंप्लीट हैवी गेमिंग में। तो बैटरी बैकअप तो जैसे मैंने आपको बताया ये डिवाइस का हमारा कमाल का है, आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में भी ऑसम लगेगा। सो परफॉर्मेंस तो हमारे डिवाइस की बहुत ही बढ़िया है। अब इसके साथ अगर आगे हम बात करें डिवाइस के बिल्ड के बारे में, तो ये एक्चुअल में इन हैंड पकड़ने में बहुत ही एक्चुअल में मोस्ट प्रीमियम डिवाइस है हमारा, मतलब जो इसके अंदर हमें सिरामिक शील्ड मिलती है फ्रंट साइड में, जो आपको इसके अंदर मिल जाती है सर्जिकल ग्रेड की स्टेनलेस स्टील बॉडी, उसके साथ आप देख सकती हैं गोल्ड कलर में है डिवाइस मेरे साथ, मतलब सोबर लुकिंग डिवाइस है जो कि आपके हाथ में होल्ड करा हुआ बहुत प्रीमियम फील देगा आपको, मतलब खुद आपको फील होगा कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है एप्पल का। फिनिश बहुत तगड़ी है, बॉक्सी लुक के अंदर आपको एक्चुअल में ऐसा नहीं कि डिवाइस स्लिपरी लगेगा, एक हाथ से भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ आपको डिवाइस के जो हमारे लेंसेज हैं इसके ऊपर भी सफायर क्रिस्टल की हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर कोई भी इसके ऊपर कवर नहीं लगाते और सीधा कहीं पर भी डिवाइस को रख देते हैं तो आपके कैमरा लेंस के ऊपर भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इसके साथ जो इंप्रेसिव चीज़ है इसके डिज़ाइन में वो है हमारी IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, जो कि एक्चुअल में 6 मीटर तक टेस्टेड है, उसके अंदर भी अपग्रेड किया है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं ताकि आपका डिवाइस जो है वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डिवाइस हमारा डिज़ाइन वाइज भी ऑसम है। तो गाइस ये था हमारा iPhone 12 Pro Max, जो कि हमारा बहुत ही प्रीमियम हाई क्वालिटी डिवाइस है Apple की तरफ से। लेकिन डिवाइस हमारा काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, मतलब उस हिसाब से चार्जर हमें नहीं मिलता है। आपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए चार्जर हटाया, आपको उसके अंदर थोड़ा सा कस्टमर का भी फायदा रखना चाहिए था कि थोड़ा सा डिवाइस का जो प्राइस है वो हमारा कम होना चाहिए था, प्राइस काफ़ी ऊपर है। लेकिन जो इस डिवाइस के अंदर हमें फीचर्स मिलते हैं, जो क्वालिटी मिलती है, जो भी चीज़ें मिलती हैं, उसका कंपटीशन आपके किसी भी स्मार्टफोन के साथ नहीं होता, उस हिसाब से ये टॉप नॉच तो है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊँगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।